शरीर को बराबर मोड़ोगे तो जैसे जैसे ये मुड़ता है ग्रहों की शक्ति को खींचने में सक्षम बनता है ना, जैसे जैसे ग्रह शक्ति खींचोगे दुनिया की हर ताकत को, अग्नि को, जल को, आकाश को, पृथ्वी को, वायु को अपने वश में करने की ताकत आ जाएगी। असली शक्ति तो ये है, इस चीजों पंचभूतों को वश में कर पाओगे आप लोग। जो योगी लोग बरसात रोक देते हैं, अग्नि बुझा देते हैं, इसी योग शक्ति से करते हैं, वो हर मनुष्य के लिए संभव। लेकिन हम तो महाराज रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, योग साधना तो दूर की बात, क्योंकि शक्ति का समझ हम में नहीं है। ये शक्ति मिल जाए मनुष्य बलवान होता है। शक्ति आप देखे होंगे महालक्ष्मी माता, कौन सी माता महाराज? महालक्ष्मी। ओ किधर बैठी है, किसका पैर दबाती है महाराज? विष्णु जी का पैर दबाती है। हाँ, विष्णु जी का पैर दबाती है। हाँ, आपको ये पता नहीं कि वो विष्णु का पैर क्यों दबाती है, आप भी दबाते रहिए, वो हमारे लिए उदाहरण बनती है। लेकिन उल्टा है, आजकल ये आदमी आपके पैर दबाने लगे हैं, अक्कल नहीं है उनको, उनको पता नहीं है। आपको बता दूं कि शरीर के पैर के नीचे के भाग, घुटना है ना, घुटना कहाँ है आपका, उसके नीचे के भाग जो है उनके नसों में ऐसी ऊर्जा है, वो शनि ग्रह के तरंगों को ही खींचते हैं। किस ग्रह के तरंगों को? शनि ग्रह की तरंगों को। पैर के नीचे का भाग शनि के तरंग को खींचता है, समझ रहे हो ना मैं बोल रहा हूँ, सरलता से ही बोल रहा हूँ, कोई समझ नहीं पड़े तो बताना। सरल सरल ही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, समझ लो अच्छे से। अब ये पैर शनि है, और आज विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि शनि ग्रह के पास में मार्स के पास सैटर्न वीनस है, यानी शुक्र पास में है। जब घूमते समय शुक्र नजदीक आता है और शनि आती है तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, चुंबकीय प्रभाव। जब ये चुंबकीय प्रभाव आता है उस समय वहां प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा बढ़ती है, यानी धन बढ़ने की। लक्ष्मी विष्णु का पैर दबा रही, यानी ये हाथ की कलाई से ये हथेली का भाग शुक्र का ग्रह का तरंग है। ये क्या तरंग है? शुक्र का तरंग, और पैर शनि का तरंग। अब विष्णु का पैर लक्ष्मी दबा रही है, यानी शुक्र को शनि के नजदीक ले जा रही है, इसलिए लक्ष्मी जहां है वहां धन बरसता है। ये वैज्ञानिक रहस्य है, ध्यान रखो। इसलिए उस जमाने से स्त्रियां पुरुष की पैर दबाती, क्योंकि पैर शनि का है। पैर किसका है? शनि का। हाँ, और शनि पुरुष ग्रह होने से, पुरुष का पैर दबाने से लाभ होता है, और स्त्री की हथेली की कलाई से लेके हाथ का भाग में शुक्र ग्रह की तरंगे आती है। जब भी पैर पर हाथ जाता है, कई लोग बोलते हैं सब भारतीय मूड बुद्धि है, स्त्रियों को पीछे रखते हैं, स्त्रियों को पीछे नहीं रखते। ये भारत वो सनातन परंपरा है, 9 दिन तक नवरात्रि मना के स्त्रियों को सबसे आगे रखता है, ये भारतीय सनातन परंपरा। यहाँ पुरुषों के लिए तो एक ही दिन है शिवरात्रि, लेकिन 9-9 दिन स्त्रियों के लिए नवरात्रि है, कभी पीछे नहीं रख सकते। लेकिन जिस चीज से घर में समृद्धि बढ़ती है उसको पाने के लिए स्त्रियां पुरुष के पैर दबाती है, इससे वो छोटी नहीं पड़ जाती, क्योंकि उनमें दोनों में एकता बढ़ता है इस प्रेम भाव से। और जिस घर में एकता बढ़ेगा उस घर में लक्ष्मी का निवास होगा, वही घर कल्याणकारी हो जाएगा।